हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स और आगे कीजिए शेयर, और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी आवश्यकताएं। हम आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लाते रहेंगे ट्यूटोरियल्स और आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड में। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल्स वगैरह सब लेकर आता रहता हूँ, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं मुझे और कमेंट में बताते भी हैं कि उनको इन फ्यूचर कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए। तो आज का ट्यूटोरियल जो मैं लेके आया हूँ वो टाइटल से तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल आज का भी होने वाला है हमारा। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा सेटिंग करने का। यदि आप वीडियो में बने रहेंगे तो ही आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसीलिए जो मैं ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ आप टाइटल पढ़ ही चुके हैं। अगर आपको बी माई आईज़ के बारे में पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो खास आपके लिए है, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। बी माई आईज़ एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम साइटेड वॉलंटियर की हेल्प ले सकते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए हम कई कंप्यूटर चला रहे हैं, अब क्या होता है कंप्यूटर में कैप्चर आ जाता है। अब हम अपने भाई को बोलते हैं कि भैया थोड़ा ये कैप्चर पढ़ देना, अरे रुको रुको यार मेरे पास समय नहीं है, ये है वो है ना, कितनी बातें सुननी पड़ती है हमें। तो उसमें क्या है कि हम इस एप्लीकेशन की हेल्प ले सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें शुरू से लेकर एंड तक इसकी सेटिंग कैसे करनी है और कॉल कैसे लगानी है और आपको हेल्प कैसे लेनी है, कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये बी माई आईज बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। मैंने तो बहुत सारी इस्तेमाल कर लिया है इसको, अब आपकी बारी है, आप लोग इस्तेमाल करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ इसके बारे में आपको। इसमें जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे तो जब आप कॉल लगाएंगे तो उस कॉल के दौरान आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि आप हिंदी में बात करेंगे या इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। वहाँ पे लैंग्वेज पूछी जाती है क्योंकि ये अदर कंट्री में भी यूज़ हो रही है, तो वहाँ के लोग जैसे इंग्लिश में करते हैं तो यहाँ हम हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहें, जुड़े रहें। मैं हूँ आपका दोस्त तरुण जुनेजा, स्वागत करता हूँ इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको लेकर चलता हूँ प्ले स्टोर में, और मैंने तो इसे इंस्टॉल कर लिया है और इसका कुछ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही रखा है, बाकी आप प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। आपने सिंपली टाइप करना है बी कैपिटल बी और ई फॉर एलिफेंट, बी स्पेस दे के एम वाई माई स्पेस दे के ई वाई ई एस आईज, यानी बी माई आईज, ठीक है। ये आपको सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और इसका जो इंटरफेस है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और इस पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो भी बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए ओपन करते हैं एप्लीकेशन को और देख लेते हैं इसका इंटरफेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी सी कम कर दिया ताकि आप लोगों को इशू ना आए। तो अभी मैं प्ले स्टोर पे हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि ये इसका इंटरफेस कैसा है। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे डबल टैप करके। To provide you with the best possible service, we kindly ask you to review and accept the Be My Eyes privacy policy and terms of service.
तो फ्रेंड्स अभी इसको मैंने ओपन करते ही इसका जो फर्स्ट पेज हमारे सामने आया है वो ये आया है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। यदि आपको पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। तो राइट स्वाइप करेंगे अभी हम लेफ्ट टू राइट, प्राइवेसी पॉलिसी बटन, यहाँ से आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस बटन, यहाँ से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सर्विसेज वगैरह पढ़ सकते हैं। By tapping I agree below, I am agreeing that I have read, I agree to and accept to be my eyes privacy policy and terms of service. तो ये पूछ रहा है कि आप इन सबसे एग्री हैं, तो बिल्कुल एग्री हैं हम। I agree button. I agree पे सिंपली हमने डबल टैप कर देना है। Be my eyes. Join a global support community. तो see the world together. अभी इसका जो नेक्स्ट पेज है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। अभी राइट स्वाइप करके देख लेते हैं कि क्या बोला है इसने। I need visual assistance button. I need visual assistant. I'd like to volunteer button. I'd like to volunteer. अब यहाँ पे ये बात आती है, यदि आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो आप विजुअली इम्पेयर्ड वाले पे करेंगे। यदि आप एक साइटेड हैं, यानी इसमें क्या होता है कि जो साइटेड लोग होते हैं नॉर्मल लोग, वो क्या करते हैं, वो इसमें एज ए वॉलेंटियर ज्वाइन करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का मोटिव ही यही है कि विजुअली इम्पेयर्ड की हेल्प हो जाए पूरे अच्छे तरीके से, है ना। इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो। मान लीजिए आपके आगे कोई बुक पड़ी है, आपने वो रीड करवानी है, या आपके लैपटॉप में कैप्चर आ गया उसे रीड कराना है, या आसपास आपके इंटरफेस कैसा, कहीं आप घूमने चले गए वो रीड कराना है ना, बस में आप हो, बस का नंबर, सीट नंबर, कोई भी एनी हेल्प आप इनसे ले सकते हैं। और ये 24 आवर्स आपकी कॉल पिक करते हैं। ये बड़ी इसकी खास बात लगी। एक दिन मैंने रात को कॉल की तो इन्होंने रात को भी मेरा कॉल जो है किया था। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड वाले पे टिक कर देंगे, देख लेते हैं। I need visual assistance button. I need visual assistant, ठीक है। इस पे सिंपली हम डबल टैप कर देंगे एक बार। Need a pair of eyes to be my eyes app connects you with a sighted volunteer or company representative. Using live video chat, this person can assist with visual tasks or describe things that you'd like to see. तो ये कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस थी, इंस्ट्रक्शंस को हमने सुना। अभी राइट स्वाइप करेंगे। आई एम न्यू साइन इन बटन, साइन इन। तो यदि आप पहली बार इसे ज्वाइन कर रहे हैं, आपने अभी तक नहीं इसे यूज़ किया है, तो आप न्यू वाले पे कर सकते हैं। यदि आपने इसको ज्वाइन कर रखा है तो आप साइन इन वाले पे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ न्यू वाले पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे। आई एम न्यू पे डबल टैप कर देंगे एक बार। साइन अप विद फेसबुक बटन, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है साइन इन विद फेसबुक। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपके फ़ोन में फेसबुक अकाउंट आपका साइन इन है, तो वहाँ से आपका ये अकाउंट उठा के इसे ऑटोमेटिक साइन इन कर देगा। साइन अप विद गूगल बटन, साइन विद गूगल, यहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी के द्वारा डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो, और साइन अप यूजिंग योर ईमेल, और साइन अप यूजिंग ईमेल, फर्स्ट नेम, एडिट बॉक्स फॉर फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम, एडिट बॉक्स फॉर लास्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डाल सकते हैं, ईमेल, एडिट बॉक्स फॉर ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल सकते हैं, पासवर्ड, पासवर्ड, एडिट बॉक्स फॉर पासवर्ड, अपना एक यहाँ पे आपको पासवर्ड रखना होगा, ठीक है। वो ईमेल वाला पासवर्ड आपका नहीं मांगेगा ये, आपको ये वो पासवर्ड डालना है जो आप इस एप्लीकेशन के लिए रखना चाहते हैं। राइट स्वाइप करेंगे, साइन अप बटन, यहाँ पे आता है साइन अप, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं तो न्यू नहीं हूँ क्योंकि मैं इसे पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक बार यहाँ पे बैक करूँगा। Need a pair of eyes. Sign in button. मैं यहाँ पे साइन इन वाले पे ऑप्शन पे डबल टैप कर दूंगा, ठीक है। साइन इन करूंगा मैं एक बार डबल टैप। साइन इन, साइन इन विद फेसबुक बटन, तो यहाँ भी हमें वही ऑप्शन मिल जाता है, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गूगल बटन, साइन इन विद गूगल, और लॉग इन यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड, और लॉग इन यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। जैसे हमने अभी पिछले पेज में देखा, वहाँ पे तो हमें ईमेल आईडी और नेम वगैरह सब मांग रहा था, तो जब वहाँ से अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के भी लॉग इन कर सकते हैं, और ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल वाले पे चूज करूंगा, साइन इन विद गूगल बटन, मैं इसको चूज कर लूंगा। Google Play Services. Google Play Services. Choose an account. तो अभी हमारे फोन में जितने भी ईमेल आईडी साइन इन है यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी। तो मैं अपनी एक ईमेल आईडी चूज कर लूंगा यहाँ पे। To continue to be my eyes. Information of visually impaired Taran, taranjaneta37@gmail.com. तो मैं इसको चूज करूंगा, डबल टैप कर दूंगा। Google Play Services. Sign in. Sign in with Google button. तो allow access. Microphone and camera. तो मेरा यहाँ पे ये साइन इन हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे इसको एक परमिशन देनी होगी कैमरे की और रिकॉर्डिंग की, ठीक है। तो राइट स्वाइप करेंगे। To make video calls, give access to your microphone and camera. Give access button. Give access button पे आपने सिंपली डबल टैप करना है। Allow me my eyes to take pictures and record video. Allow button. तो यहाँ पे ये परमिशन मांग रहा है, इसे सिंपली अलाउ कर देंगे। Allow me my eyes to record audio. Allow button. यहाँ पे भी ये परमिशन मांग रहा है, इसे भी सिंपली अलाउ कर देंगे। Be my eyes. Call first available volunteer button. तो अभी क्या है, अभी हमारा जो है इस एप्लीकेशन में साइन इन हो चुका है पूरे तरीके से।
तो इसके जो होम पेज पे ऑप्शन है पहले वो दिखा देता हूँ, फिर इसकी सेटिंग समझा दूंगा आपको क्या क्या सेटिंग इसकी करनी चाहिए या क्या क्या ठीक रहती है। ठीक है, अभी राइट स्वाइप करेंगे। Specialized help button selected home. तो पहले तो इसका होम है, ठीक है, वो सिलेक्टेड है, होम टैब है इसका। उसके बाद देखते हैं स्टोरीज, यहाँ पे आता है स्टोरीज। स्टोरीज में क्या होता है, मान लीजिए जो इसमें वॉलंटियर होते हैं, ठीक है, वो अपनी स्टोरी अपलोड कर देते हैं, तो उन स्टोरीज वगैरह को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा काम का नहीं है हमारा ये, बट फिर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। settings. फिर आ जाता है सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे आपको सेटिंग में मैं अभी लेकर चलूंगा। राइट स्वाइप करेंगे, ये बी माई आईज इसकी हेडिंग है। Call first available volunteer button. यहाँ पे आ रहा है कॉल फर्स्ट अवेलेबल volunteers, ठीक है। जैसे ही आप इस पे डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी कॉल कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा और आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी सामने वालों से। मतलब एक प्रोसेसिंग साउंड आएगी, वो साउंड आपकी बजती रहेगी, तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो सामने वाला हेलो बोलेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें क्या होगा कि आपकी कंटिन्यू आवाज़ नहीं जाएगी, जैसे व्हाट्सअप कॉलिंग में होता है ना, हल्का सा एक दो सेकंड का गैप होता है, तो आवाज़ आपकी थोड़ी सी रुक के जाएगी। तो मैं अभी आपको यहाँ पे लाइव कॉल करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं कॉल लगा दूंगा तो हो सकता है कि आपको आवाज़ ना आए, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, तो हो सकता है थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको अभी लाइव नहीं दिखा सकता। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डबल टैप करते ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। यदि आप, चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको लाइव दिखा भी सकूँ। एक बार राइट स्वाइप करेंगे, स्पेशलाइज्ड हेल्प बटन, यहाँ पे आता है स्पेशलाइज्ड हेल्प। यहाँ पे आप स्पेशल हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हेल्प मिलेगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो पहले इसकी सेटिंग देख लेते हैं हम फटाफट से, फिर मैं आपको इसके फीचर सारे बता देता हूँ। सिलेक्टेड होम, सिलेक्टेड होम, स्टोरीज, स्टोरीज, सेटिंग्स, सेटिंग्स, सेटिंग्स पे डबल टैप करेंगे। सिलेक्टेड, तो सेटिंग्स पे देख लेते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। सेटिंग्स, सेटिंग्स, सेक्शन नेम, प्रोफाइल, यहाँ पे सेक्शन नेम, प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल एडिट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फटाफट। एडिट प्रोफाइल, तरुण, एडिट बॉक्स, फर्स्ट नेम फॉर फर्स्ट नेम, ये देखिए मेरा नाम इसने उठा लिया, तरुण जुनेजा, एडिट बॉक्स, लास्ट नेम फॉर लास्ट नेम, जुनेजा, तरुण जुनेजा 37@gmail.com, एडिट बॉक्स, ईमेल फॉर ईमेल डिसेबल्ड, ये मेरी ईमेल आईडी है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। अपडेट प्रोफाइल बटन, अपडेट प्रोफाइल बटन, अपडेट प्रोफाइल बटन, बस नाम एडिट कर सकते हैं हम अपना, ठीक है। सिंपली एक बार यहाँ से बैक करेंगे, सेटिंग्स, पर्सनल डिटेल्स, चेंज पासवर्ड, यहाँ से हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो भी आप अपने इस अकाउंट में पासवर्ड रखते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज ईमेल, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस, यहाँ पे आप इसका नोटिफिकेशन मैनेज कर सकते हैं, इसको जो इसका नोटिफिकेशन आता है कई बार आपने उसे ऑफ रखना है, ऑन रखना है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। सेक्शन नेम, यहाँ पे इसका सेक्शन नेम देख सकते हैं। लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी, यहाँ पे आता है प्राइमरी लैंग्वेज, तो मैंने यहाँ पे हिंदी रख रखी है क्योंकि मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। वैसे इंडियन है तो हिंदी ही रखेंगे ऑब्वियसली। When you request help, you will be connected to the first available volunteer who speaks your primary language. ये देखिए ये पूछ रहा है कि जब कॉल कनेक्ट हो तो प्राइमरी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वॉलंटियर की। Other languages. तो मैंने हिंदी करी दिया, अदर में मैंने पंजाबी करा हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। In the unlikely situation where there are no available volunteers who speak your primary language, we can try to connect you to someone speaking your secondary language. If you speak other languages, please add them here. ये कह रहा है कि जो आपने प्राइमरी लैंग्वेज फिट की हुई है, सेट की हुई है, यदि उसमें कोई वॉलंटियर अवेलेबल नहीं होता है तो आपकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज पंजाबी है उसमें कनेक्ट कर दी जाएगी कॉल, और यदि उससे भी बात नहीं बनती है तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे, सेक्शन नेम, सपोर्ट एंड फीडबैक, सेक्शन नेम, सपोर्ट एंड फीडबैक, फैक, यहाँ पे फैक है, सेंड अस फीडबैक, सेंड अस फीडबैक, अगर एप्लीकेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको फीडबैक दे सकते हैं आप। Terms and privacy policy. Terms and privacy policy. Section name. Section name. Community. Rate my eyes and Google Play. यहाँ से इनको आप रेट कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। मैंने भी रेटिंग दी, आप भी जरूर दीजिएगा। Share. यहाँ से इस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं किसी को। Section name. Connect with us. Section name. Facebook. यहाँ से Facebook. आप इनको Facebook पे फॉलो कर सकते हैं। Twitter. ट्विटर पे कर सकते हैं। यूट्यूब पे इनका चैनल है, उनको वो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर सकते हैं। वर्जन 1.3.21.84 ये इसका वर्जन है। लॉग आउट बटन, यहाँ से आप इसे लॉग आउट कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में यही ऑप्शन है। अभी वापस से होम टैब में चलेंगे। रीसेंस बटन, होम, होम सिलेक्टेड, बी माय आईज, अभी जो हमारे पास पहला ऑप्शन है ये देखिए, कॉल फर्स्ट अवेलेबल वॉलंटियर बटन, कॉल फर्स्ट अवेलेबल वॉलंटियर, जैसे इस पर डबल टैप करूंगा कॉल जाने शुरू हो जाएगी, ठीक है। राइट स्वाइप करेंगे एक बार,
specialized help button. यहाँ पे specialized help, इस पे देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा. डबल टैप करेंगे एक बार. Be my eyes. Expert support through Be my eyes. ये देखिए एक्सपर्ट, यहाँ पे आप डायरेक्टली स्पेशली हेल्प ले सकते हैं. राइट स्वाइप करेंगे. Specialized help allows you to connect directly to company's customer support representatives the same way you would connect to volunteers over live Be my eyes video. यहाँ से आपको डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट किया जाएगा. जो जो इसमें अभी हमें ऑप्शन देखेंगे आगे, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उन डायरेक्टली उन कंपनियों से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा. आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. Just like Be My Eyes for volunteers, specialized help is free and unlimited. Just tap specialized help on the app's home screen and click a company profile to check opening hours and initiate calls. ये देखिए आप इसे पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं सारी. We are always aiming to grow the Be My Eyes community. If there are companies that you may seek assistance from. Okay, continue. यहाँ से okay और continue पे double tap करेंगे. Specialized help. Navigate up. तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास open हो रहा है अभी. Specialized help. About. About है इसका, देख सकते हैं इसके बारे में. Technical. यहाँ से आप टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं. जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी कॉल कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में. ठीक है. Other. यहाँ पे अदर हेल्प ले सकते हैं. Blindness organizations. यहाँ पे जितने भी ब्लाइंडनेस की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं. Assistive technology. Assistive technology. यहाँ से टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं. Navigate up button. तो ये ऑप्शन है. ठीक है, तो यहाँ से एक बार बैक करेंगे. Be my eyes. Specialized help button. और यहाँ पे स्टोरीज का ऑप्शन है, वो दिखा देता हूँ एक बार फटाफट. Stories. Stories. Selected. कर दिया मैंने. Community stories. यहाँ पे डबल टैप किया मैंने तो देख लेते हैं क्या है. Settings. Community stories. About. Tell us your story. Audio describing one world. Together at home. June 3rd, 2020. Brian, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Volunteer. ये देखिए वॉलंटियर की स्टोरी है. From volunteer during the refugee crisis. When you ask for help but get to help someone. Watch One World. Together at home with Be My Eyes. April 18, 2020. Global Citizen. Worldwide. Blind plus volunteer. तो ये इनकी स्टोरीज हैं. इन पर डबल टैप करेंगे तो प्ले बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे प्ले करके सुन सकते हैं. तो अभी हम चलते हैं अपने मेन मोटिव पे. होम बटन पे चलेंगे. अब सिलेक्टेड Be My Eyes. यहाँ पे आ जाता है कॉल फर्स्ट वॉलंटियर बटन. तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी. तो मैं आपको ये दिखा नहीं सकता, बट मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ. ये देखिए तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉल कनेक्ट कर दी थी, मेरी कॉल चली भी गई थी. तो हो सकता है कि आपको आवाज़ ना आई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. बस आपने सिंपली इस पे डबल टैप करना और आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी. आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा. बस आपने कैमरे के आगे जो जो वॉलंटियर से पूछना है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. जब आपकी कॉल कनेक्ट होगी तो ऑटोमेटिक हैंड फ्री पे बात होगी आपकी. ठीक है, स्पीकर में नहीं जाएगी. तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि इसी तरह के वीडियो हम लोग बनाकर लाते रहें. तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं किसी नए एपिसोड में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय.